हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इतनी खुश इसलिए दिख रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने एक वीडियो है जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी। जब से हम लोग, मैंने बताया था कि हम लोग नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं एंड हम लोग यहाँ आए थे, तब से आप लोग कह रहे थे कि प्लीज़ प्लीज़ होम टूर व्लॉग डालना। बट जब नए घर में शिफ्ट होते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है सब चीज़ों को करने में एंड फिर आप बिज़ी भी हो जाते हो यहाँ पे। आने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं तो मैं नहीं बना पा रही थी, बट आज फाइनली मैंने होम टूर का व्लॉग शूट कर लिया एंड आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड टू शेयर इट विद यू ऑल। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ चेंज करनी है, जो मैं कह रही थी अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एकदम परफेक्ट नहीं हुई हैं यहाँ पे, बट फिर भी मैंने सोचा कि जब आप लोग इतने दिन से कह रहे हो तो मैं शेयर कर ही देती हूँ। और वैसे भी मैं हर चीज़ रॉ ही शेयर करती हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि जब मेरे अकॉर्डिंग सब चीज़ एकदम परफेक्ट हो जाए घर में तभी मैं होम टूर शेयर करूँ। और यहाँ कुछ भरोसा भी नहीं होता क्योंकि यहाँ पे हम मोस्टली रेंटेड हाउस में रहते हैं, तो आज आप यहाँ आए कल कहीं और हैं। तो मैंने भी सोचा कि मैं आज इंशाल्लाह होम टूर का वीडियो शेयर कर ही देती हूँ एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही मिनिमल सा सब कुछ है मेरे घर में, ऐसा कुछ भी ओवर द टॉप नहीं है, बट सिंस यू ऑल रिक्वेस्टेड इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं शेयर कर रही हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम चलते हैं मेरे होम टूर वीडियो की तरफ। आई होप यू लाइक इट। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अवर स्वीट लिटिल हाउस। ये है हमारा एंट्रेंस का डोर, इसके बाजू में लगा है एक बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी वाला एंड उसके बराबर में है ये फ़ोन। ये मैंने छोटा सा गुलदस्ता लगा रखा है दीवार के ऊपर थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए। ये एक रैक है, उसके ऊपर मैंने यहाँ पे कुरान रखा हुआ है एंड उसके बराबर में घर में डालने वाली फ्रेग्रेंसेस, कुछ परफ्यूम और छोटा सा एक प्लांट रखा हुआ है। और उसके बराबर में ये बखूर की डब्बा रखा है एंड अगेन रीड डिफ्यूज़र है। एंड ये जो रैक है ये काफ़ी लंबी है, इसके अंदर हम अपनी चीज़ें रखते हैं, तो बस उसी को थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए मैंने उस पर सामान रख दिया है। इसके एक्सट्रीम लेफ्ट में है हमारा किचन जो कि मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। देन ये है पाउडर रूम या गेस्ट वॉशरूम बोल सकते हैं आप इसको, ये भी मैं आपको पूरा नहीं दिखाऊँगी क्योंकि वॉशरूम दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है इसीलिए बस। और ये हम लोग का बीच में कॉरिडोर है, कॉरिडोर के लेफ्ट साइड में जो है वो मेरा रूम है, ये फ्रंट साइड पे जो है दूसरा रूम है जिसमें अभी माहिन रहता है। एंड ये थोड़ा सा सामान रखा हुआ है जो मैंने मंगाया था एंड यहाँ पे दो बैग्स रखे हैं जो मुझे खाली करने हैं बट मैंने अभी तक किए नहीं हैं। साइड में मिराल की हाई चेयर भी है, मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा रॉ रखते हैं होम टूर को, तो जो जैसे रखा हुआ था मैंने बस उसको थोड़ा अरेंज कर दिया है। एंड अगेन बच्चों वाले घर में सामान को अरेंज करके रखना इज़ अ बिग टास्क। मैं ही जानती हूँ कि मैंने ये पूरा वीडियो कैसे शूट किया है, मिराल मेरे साथ ही साथ चल रही थी पूरे वीडियो में। ये है हमारा ड्राइंग रूम जो कि मैं अब आपको अच्छे से दिखाऊंगी। तो ये फ्रंट वाली जो साइड है इस पर मैंने डाल रखा है सोफ़ा कम बेड ब्लू कलर का एंड ये दो टेबल्स हैं, थोड़ा सा मिनिमल सा डेकोर करा हुआ है। एंड ये एक कॉर्नर है जो मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगी, पहले मैं ये साइड दिखा देती हूँ। तो ये जो लैम्प है, इससे पहले कि आप लोग अगर पूछें तो ये मैंने आइकिया से लिया था, इसके साइड में वेइंग स्केल इसलिए रखा है क्योंकि मैंने ये अभी मंगाया था। और उसके बाद ये है मेरा सोफ़ा, इसका कलर मुझे बहुत पसंद है। उसके ऊपर जो ये मिरर्स लगे हुए हैं ये भी मैंने आइकिया से लिए थे एंड ये जो साइड में दो फ्लावर्स लगे हुए हैं ये मैंने पता नहीं कहाँ से लिए थे। उसके बाद ये जो कॉर्नर है यहाँ पे मैंने एक प्लांट रखा हुआ है, एक मिरर है और ये छोटा सा नीचे बैठने का एरिया बना दिया, ये अच्छा लगता है। एंड ये सोफ़े के साइड में जो प्लांट है ये नकली है बट ये असली जैसा लगता है, बट वो जो कॉर्नर में प्लांट था वो असली था। अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड करनी है, कुछ कुछ चीज़ें चेंज भी करनी है, बट मैंने सोचा आप लोग बहुत दिन से बोल रहे थे तो होम टूर करा ही देती हूँ। ये सामने की तरफ है मेरी बालकनी और ये कर्टन्स लगे हुए हैं जिसमें अभी मुझे थोड़े से ऐड करने हैं। एंड ये शैंडलियर हैं जो हमें यहाँ लगे हुए मिले थे। उसके एक्सट्रीम लेफ्ट में एक कॉर्नर है, यहाँ मिराल के टॉयज़ रखे हैं, छोटा सा बेड है। तो अब हम आ गए मेरे रूम के अंदर। तो मेरे रूम में एंट्री करते ही लेफ्ट साइड में है वॉशरूम जो कि मैं अगेन आपको पूरा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वॉशरूम में किसको इंटरेस्ट होता है, बट मैं थोड़ा सा स्नीक पीक दे देती हूँ। सामने की तरफ बाथटब है, इधर मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं और एक ये वॉश बेसिन दिख रहा है। ये सामने ही एकदम कर्टन्स पड़े हुए हैं एंड ये राइट साइड में मैंने एक मिरर लगा रखी है बड़ी सी जो कि मेरे बेड के साथ ही हमें मिली थी एंड ये आइकिया का है। और पीछे आपको मेरा बेड भी थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा। ये जो कर्टन्स हैं पूरे ब्लैकआउट हैं इसीलिए मेरा रूम ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ी सी रात हो रही है, बट पीछे बहुत तेज़ धूप थी बिलीव मी, तो ये मुझे बहुत तेज़ धूप से बचाते हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये है मेरा बेड,
के साइड में एक लैम्प है, ऊपर की तरफ मिरर्स हैं जो कि मैंने आइकिया से लिए थे अगेन। फिर उसके बाद ये है मेरी साइड टेबल जिसके ऊपर मैंने परफ्यूम्स रखे हैं, एक रीड डिफ्यूज़र है और एक प्लांट रखा है। बहुत मिनिमल सा सामान है मेरे रूम में। ये है मेरी वार्डरोब ब्राउन कलर की जो कि मेरे बेड से एकदम मैच करती है, लेकिन वो इनबिल्ट है। और ये मिरर के नीचे छोटा सा एक बैठने का स्पेस बना हुआ है। बस यही है मेरा रूम। अब चलते हैं हम दूसरे रूम की तरफ। तो यहाँ पे भी सामने की तरफ सबसे पहले है वॉशरूम, उसके बाद हम लोग सामने अंदर आएंगे तो आपको ओवरव्यू तो यहाँ मिल ही गया है इस रूम का कि इसमें क्या क्या है। सामने ये है बेड और ये इसके साइड में छोटी सी एक रैक है, उसके ऊपर माहिन की पानी की बॉटल रखी है। ये है वार्डरोब, वार्डरोब के साइड में है अगेन ये छोटी सी वाइट कलर की रैक जिसके ऊपर सामान रखा हुआ है माहिन का, जानमाज है, बुक्स हैं और कुछ परफ्यूम्स वगैरह हैं। और उसके बाद ये लेफ्ट साइड में छोटा सा लैम्प है जो कि एक उस बॉल की तरह लग रहा है जो जादूगर लोग यूज़ करते हैं। बाकी ये है कर्टन्स, ये नॉर्मल वाली कर्टन्स हैं, यहाँ पे ब्लैकआउट्स नहीं है इसलिए आपको रोशनी भी दिखाई दे रही है। एंड ये है छोटी सी स्टडी टेबल और फिर नीचे एक मैट है। तो बस यही है ये वाला रूम। अब हम लोग चलेंगे फाइनली हमारे किचन की तरफ। तो ये है हमारा किचन जिसमें सबसे पहले इधर राइट साइड में हमारा फ्रिज रखा है, उसमें अवन वाली ग्लव्स भी चिपकी हुई हैं, ऊपर एक मैग्नेट है जो मुझसे टूट गया था, यानी जो ऊपर सामान है मैं अभी लेके आई हूँ तो मुझे जगह फिगर आउट करनी है कहाँ रखना है। इधर वेजिटेबल बास्केट रखी है एंड ये है मेरी कुकिंग रेंज जिस पे मैं खाना बनाती हूँ। और आप देख सकते हैं ये मैंने नए पॉट्स ऑर्डर किए थे, ये टर्की के कुछ कुकिंग वाले पॉट्स हैं जो बहुत यहाँ पे ट्रेंडिंग हैं तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, मैंने ट्रेंडोल से मंगाए हैं। ये है लेफ्ट साइड का कॉर्नर जहाँ पे बहुत ही बेसिक सा सारा सामान रखा हुआ है। मेरी ये वॉशिंग मशीन है जिसमें कपड़े हैं जो कि मैंने अभी अभी धो के डाले हैं। एंड बस डस्टबिन वस्टबिन है जो किचन में होता ही है। एंड छोटा सा काउंटर है जिसपे सामान भी रख सकते हैं एंड नीचे स्टोरेज भी है। और ये जो है फायर एक्सटिंग्विशर है जो अल्लाह ना करे कभी किसी को यूज़ करना पड़े। और बस सामने से मैं आपको अपनी बालकनी भी दिखा देती हूँ। तो ये है हमारी बालकनी जो कि सबने देखी है मेरे स्टोरीज़ पे। ये है बाहर का व्यू जो मैं अगेन अपने व्लॉग्स में दिखा चुकी हूँ। यहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं मेरे जो हर घर में सूखते हैं और हमारे यहाँ जगह नहीं होती तो हम लोगों को बालकनी में ही सुखाने पड़ते हैं। ये एक एक्स्ट्रा गद्दा है जो हमारी बालकनी के अंदर एडजस्ट करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज की बहुत प्रॉब्लम है, बट बालकनी बड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह तो हम यहाँ पे कुछ कुछ सामान रख देते हैं। और बस यही था मेरा छोटा सा होम टूर। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।